गाइस बी टाउन हॉप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे बैड न्यूज मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो इस मूवी का नाम बैड न्यूज है, लेकिन हम आपके लिए गुड न्यूज लेकर आए हैं। इस बार जो बैड न्यूज मूवी आने वाली है वो उनका टाइटल भले बैड न्यूज है, लेकिन इसमें बहुत सारी गुड न्यूज छिपी हुई है। आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा होगा, पर हम जो मूवी की बात कर रहे हैं उनका टाइटल ही वैसा है। बात करें तो इस बैड न्यूज मूवी की स्टार कास्ट की, तो इसमें विकी कौशल, तृप्ति डिमरी और इम्मी विर्क देखने को मिले हैं। और इसी के साथ ये मूवी एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी रहने वाली है। मूवी को लेकर काफी समय से क्रेज बना हुआ था और अब फाइनली इस मूवी का फाइनली ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसका फैंस को बहुत ही लंबे वक्त से इंतजार था। ट्रेलर इतना धमाकेदार है ना कि बस फिल्म देखने का इंतजार ही नहीं कर पाओगे। और ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है। इस मूवी का ट्रेलर कॉमेडी से भरपूर है। मूवी की कहानी प्रेगनेंसी और फादरहुड पर बेस है। फिल्म तृप्ति डिमरी सलोनी के किरदार में है, जिसे पता ही नहीं है कि उनके बच्चे का पिता कौन है। वहीं विकी कौशल, अखिल चड्ढा और एमी वीर गुरबीर पाजी के रोल में है। अखिल और गुरबीर दोनों ही अपने बच्चे के लिए कई टास्क करते दिखेंगे, जिससे वो सलोनी की नजरों में खुद को बेस्ट फादर साबित कर पाए। फिल्म के ट्रेलर में नेहा धुपिया भी अहम रोल अदा करती दिखी है। वहीं विकी कौशल और एमी विर्क की जोड़ी अपनी कॉमिक टाइमिंग हंसाती नजर आ रही है। तृप्ति अपनी ग्लैमरस अदाओं से फैंस के होश उड़ाती दिख रही है। फिल्म के ट्रेलर में पंच लाइन का इस्तेमाल भी बखूबी किया गया है। ट्रेलर में तीनों स्टार की तिगड़ी आपको हंसने पर मजबूर करती है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। बैड न्यूज के ट्रेलर को फैंस का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। फैंस कमेंट में ट्रेलर की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। सोचो, ट्रेलर इतना मजेदार है तो पूरी फिल्म कैसी होगी। और ये मूवी जो है उनको करण जौहर प्रोड्यूस करने वाले है अपने धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले। और इस मूवी को डायरेक्शन दिया है आनंद तिवारी ने। और इस मूवी की रिलीज डेट की बात की जाए तो मूवी 19 जुलाई को रिलीज होने वाली है। और ये बैड न्यूज मूवी 2019 में आई मूवी गुड न्यूज की फ्रेंचाइजी है, जिसमें हमें करीना कपूर, केरा आडवाणी और अक्षय कुमार देखने को मिले थे और साथ में दिलजीत दोसांझ भी लीड रोल में थे। तो दोस्तों, आप भी ये मूवी देखने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आगे इस मूवी से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बी टाउन हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।